हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद की क्राइम ब्रांच ने फर्जी आईपीएस का पर्दाफाश करते हुए गिरफ्तार किया। बता दें कि 10 सितंबर को फर्जी आईपीएस अबंग मेहताब और उसके साथी कबीर को दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियों को चुराकर मणिपुर भेजने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी को लेकर छापेमारी में पुलिस को नशे की 70,000 गोलियां बरामद हुई। पूरे मामले को लेकर पुलिस ने बताया कि ड्रग्स का बड़ा धंधा चला रहा था। क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने एक नकली आईपीएस को पकड़ा था जो यहां से दिल्ली एनसीआर से लग्जरी गाड़ियां चोरी करकर मणिपुर भेजता था। इस संदर्भ में क्राइम ब्रांच फरीदाबाद ने वहां जाकर दो उसके अन्य साथियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। इस दौरान नकली आईपीएस के कमरे की तलाशी ली गई कागजों के लिए, तो पता चला कि वहां पर 70,000 ड्रग्स की गोलियां भी मिली हैं। इसके बारे में उससे पूछताछ जारी है।